हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं भोजपुरी से चटपटी और मसालेदार खबर। जी हाँ, तो आइए और इस वीडियो के साथ बने रहिए। आज हम इस वीडियो में बताएंगे भोजपुरी की उन अभिनेत्रियों के बारे में जो ढाती हैं कहर, जिसने बरपाया है कहर आप सभी के दिलों पर। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, भोजपुरी अभिनेत्रियाँ अब किसी भी मामले में एक्टर्स से पीछे नहीं हैं। पहले की अपेक्षा अब उन्हें पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं और किरदार भी वजनदार ही होते हैं। सोशल मीडिया पर भी भोजपुरी अभिनेत्रियों की गजब की फैन फॉलोइंग है। ये एक्ट्रेस अपने फैंस के साथ अपनी तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं। तमाम भोजपुरी अभिनेत्रियां ऐसी हैं जिन्होंने फैंस के साथ स्विम सूट फोटोज भी शेयर किया है। आइए डालते हैं एक नज़र इन भोजपुरी अभिनेत्रियों की उन तस्वीरों पर। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भोजपुरी की सबसे हॉट कही जाने वाली, सबसे हॉट और खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार मोनालिसा की बात करते हैं। तो भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा आए दिन अपनी बिकनी फोटोज शेयर करती रहती हैं, कभी बीच पे तो कभी स्विमिंग पूल में, कभी अपने पति के साथ तो कहीं ट्रिप पे। जी हाँ, मोनालिसा की तस्वीरें फैंस को काफ़ी पसंद आती है और मोनालिसा है भी थोड़ी वैसी, मतलब कि आप इनकी फ़ोटोज से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी हॉट हैं। और इस तरह से मोनालिसा हर किसी के दिलों पर राज करती हैं। तो दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे भोजपुरी की सबसे खूबसूरत और फेवरेट एक्ट्रेस यानी कि आम्रपाली दुबे के बारे में। जी हाँ, आम्रपाली दुबे, निरहुआ की हीरोइन आम्रपाली। जी हाँ, उसी आम्रपाली की बात हम कर रहे हैं जो निरहुआ के साथ काम करती हैं। वैसे भी अभी उनकी नई फिल्म आने वाली है आशिकी, जिसमें वो खेसारी लाल यादव के साथ स्क्रीन शेयर की हैं। आम्रपाली दुबे का नाम भोजपुरी की सबसे सफल अभिनेत्रियों में लिया जाता है। यूँ तो आम्रपाली बहुत कम पूल फोटोज शेयर करती रहती हैं, लेकिन स्विमिंग करते हुए अपनी ये फ़ोटो पोस्ट कर उन्होंने फैंस को सरप्राइज कर दिया था। जब उन्होंने ये फ़ोटो शेयर किया था तो उनके फैंस काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे और भी ऐसी ही तस्वीरें देखने के लिए, जबकि आम्रपाली दुबे अक्सर साड़ी में फ़ोटोज शेयर करती हैं। तो तीसरे नंबर पर हम बात कर लेंगे रानी चटर्जी की, यानी कि रानी चटर्जी, वही रानी चटर्जी जिन्होंने अपना नाम चेंज किया था। इनका नाम असल में सबीना शेख है, या सबीना शेख से इन्होंने अपना नाम चेंज कर रानी चटर्जी यानी कि मुस्लिम से हिंदू बन गई। जी हाँ, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी रानी चटर्जी भी अक्सर अपनी स्विम सूट वाली फ़ोटोज शेयर करती रहती हैं। रानी चटर्जी अक्सर, मतलब कि हमेशा देखा जाता है, वो इस टाइप की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। भले किसी को अच्छा लगे या फिर ना लगे, बस वो अपनी खुशी के लिए ये फ़ोटोज शेयर करती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे निधि झा के बारे में। निधि झा, वहीं लुलिया एक्ट्रेस, लुलिया बनके सबके दिलों पर राज करने वाली निधि, भोजपुरी सुपरस्टार निधि झा फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए काफ़ी पसंद की जाती हैं। वैसे भी है भी इतनी पतली कि हर किसी को भा जाती हैं। सोशल मीडिया में भी वह अपने पूल साइड फोटोज को लेकर हमेशा चर्चाओं में बनी रहती हैं। और तो और, निधि झा को हर कोई पसंद करता है। निधि झा बेहद प्यारी हैं और स्वभाव की भी बहुत अच्छी हैं। तो ये हुई भोजपुरी की उन अभिनेत्रियों के बारे में जो स्विमिंग पूल में जो बिकनी फोटोज शेयर करती रहती हैं, और ख़ासकर इसमें सबसे ज़्यादा फोटोज शेयर करती हैं मोनालिसा। तो सबसे पहले ही हमने उनका नाम बताया आप सबको, उनके बारे में जानकारी दी। तो कैसी लगी आप सबको ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़? तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप किस हीरोइन के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी फेवरेट हीरोइन का नाम नीचे ज़रूर लिखिए और ये भी बताइए कि आप उनके बारे में क्या जानना चाहते हैं।